अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़राए कुरान कोर्स क्लास नंबर 7 में मैं आप सबको अहलम व सहलम मरहबा कहता हूँ। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की 8 और मई की 2 तारीख बरोज़ हफ्ता, आज हम कुरान करीम सीखने के लिए यहाँ जमा हैं। सऊती तरीक़ा तदरीस में होंठों से अदा होने वाले पहले 4 हर्फ म ब व फा के बाद जुबान की नोक से अदा होने वाले पहले 2 हर्फ यानी स और ज, ये दो हमने पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा हर्फ पढ़ेंगे व। इससे पहले हमने जो हर्फ पढ़े वो थे स सी सु र रि जु। जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के साथ लगाएंगे या थोड़ी सी बाहर निकालेंगे जुबान दांतों से, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक अदा होंगे। जैसे सन सिन सुन जन जिन जुन अस इस उस। याद रखें इसमें सिटी की आवाज़ नहीं आती, यानी अस नहीं होगा बल्कि अस इस उस अल इज उस। इसको भी लोग ज़ा पढ़ते हैं, जैसे अल्लज़ी, ये ज़ा नहीं है बल्कि नरमी के साथ ज़ा है। और इसी तरह अस असी असु अज अजी अजु। ये था हमारा गुज़श्ता सबक। आज हम पढ़ रहे हैं वो। ये वो है ना कि वोए, यानी इसको हम वोए नहीं कहेंगे जैसे उर्दू में कहते हैं, बल्कि इसे वो कहेंगे। इसका मखरज भी सेम वही है जिससे पहले हम पढ़ चुके हैं, यानी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के साथ टकराते हुए थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो निकलेगा वो। अलबत्ता बाकी पहले 2 हरूफ और इनमें फ़र्क यह है कि उन दोनों की अदायगी करते वक्त हमारे होंठ खुलते हैं और वह की अदायगी करते वक्त होंठ गोल होते हैं, क्योंकि ये मोटा हरफ है और पहले दोनों हरफ बारीक थे। तो आइए पढ़ते हैं ज़बर ज़ेर पेश के साथ इसके बाद, जैसे व वी वो। दोबारा प्रैक्टिस करें ज़रा, व वी वो। इसी तरह तनवीन के साथ इसकी आवाज़ होगी वन विन वन। दोबारा पढ़ें जरा, वन विन वन। इसी तरह जज्म के साथ इसकी आवाज होगी आव आव इव ओव। दोबारा पढ़ें जरा, आव इव ओव। शद के साथ इसकी आवाज होगी अव इजी ओवो। दोबारा इसकी प्रैक्टिस करते हैं, अव इजी ओवो। तो इन तमाम हरूफ को यानी व को मोटा करके पढ़ेंगे, जहां भी ये हर्फ इस्तेमाल होगा वहां उसकी आवाज बाकी की नस्बत जरा मोटी होगी। इसको अदा करते वक्त हमारे होंठ गोल होंगे, मोटे हरूफ को अदा करते वक्त होंठ गोल होते हैं और बारीक हरूफ को अदा करते वक्त होंठ खुलते हैं। नाजरीन, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपका ये हर्फ इतना बेहतर होगा और आप कुरान करीम सही तरीके से पढ़ सकेंगे। चलते हैं आज की हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर तशरीफ फरमा होने के लिए पहले जीने पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे जीने पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन, और तीसरे जीने पर भी कदम रखा तो फरमाया आमीन। बाद में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम ने पूछा कि आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी है जो पहले कभी नहीं सुनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने मिंबर के पहले जीने पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि तबाह हो जाए वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए और वो अपनी बख्शिश ना करा ले। मैंने कहा आमीन। जब मैंने दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में बूढ़े वालदैन को पाया और उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश ना कराई। मैंने कहा आमीन। जब मैंने तीसरे जीने पर कदम रखा
तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हिलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो दुरूद शरीफ न पढ़े। मैंने कहा आमीन। औ कमा कहा अलैहिस्सलाम। इस फरमान मुबारक में हमें तीन पैगाम दिए गए। नंबर एक, रमजान मुबारक, इंतहाई मुकद्दस व बाबरकत महीना जिसमें अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है और शयातीन को इस माह में कैद कर दिया जाता है। जहन्नम के दरवाजे बंद करके जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इस माह में हर नेकी का अजर 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। यानी नवाफिल पढ़ने पर फराइज जितना सवाब और फराइज पढ़ने पर 70 फर्जों के बराबर सवाब। इसलिए इसे बख्शिश और मगफिरत का महीना भी कहा गया। नाजरीन, कितना बदनसीब है वो शख्स जो इस माह मुबारक को भी गफलत से गुजार दे और नेकियां ना करके अपनी बख्शिश ना कराए। हमें चाहिए कि नेकियों के मौसम बहार में ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा करें, कोशिश करें कि तमाम नमाजें बाजमात अदा करें। इसके साथ साथ सैरी और इफ्तारी के लिए वैसे भी हम तैयारी करते हैं, तो सुबह सैरी से थोड़ी देर पहले उठकर तहज्जुद का अहतमाम, फिर इस तरह फजर की नमाज के बाद तिलावत और अज़कार समेत इशराक का अहतमाम, चाश्त का अहतमाम, मगरब के बाद 6 रकात अवाबीन का नवाफिल वगैरह जरूर अदा करें। अज़कार, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार समेत जितनी भी तस्बीहात आपको याद हैं, कोशिश करें कि हर वक्त अपनी ज़ुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात दें और अपनी बख्शिश का सामान करें। दूसरा पैगाम जो हदीस में दिया गया वो यह है कि वालदैन अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और जाहिर है कि इसकी कदर उन्हीं को ज्यादा होती है जिनके वालदैन दुनिया में नहीं होते। तो इसलिए जिनके वालदैन जिंदा हैं उन्हें चाहिए कि अपने वालदैन की कदर करें, खुसूसन जब वो बूढ़े हो जाएं तो इनका खुसूसी ख्याल रखा जाए, उनकी तमाम जरूरियात को पूरा किया जाए। अगर वालदैन पास हों तो उन्हें रोजाना वक्त दिया जाए, अगर दूर हों तो कोशिश करें कि रोजाना कॉल करके उनका हाल अहवाल पूछें, अगर वो बीमार हो जाए उनके लिए दवा का एहतमाम किया जाए। इस तरह कोशिश की जाए कि उन्हें हर तरह से खुश रखा जाए। लेकिन अगर किसी के वालदैन वफात पा गए हैं तो और नहीं तो कम अज़ कम उनके लिए दुआएं जरूर की जाएं, और ये दुआ बड़ी मारूफ और मशहूर है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तीसरी बात जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जाए या हमारे कानों में आवाज आए तो फौरन कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की वैसे भी बहुत फजीलत है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने पर रहमत के 10 दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए रोजाना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाए और नहीं तो कम अज कम सुबह शाम एक तस्बीह दुरूद शरीफ की जरूर पढ़ ली जाए, और सबसे अफजल दुरूद वो है जिससे अल्लाह ताला ने नमाज के लिए पसंद फरमाया। नाजरीन, आइए चलते हैं आज की दुआ की तरफ। आज की दुआ है रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। तो इस दुआ की भी कसरत के साथ आप कोशिश करें कि इसको अपना मामूल बनाएं और रोज़ाना इसको पढ़ा करें। नाजरीन, कल सुबह इंशाल्लाह इसी सिलसिले की अगली क्लास होगी, ज़रूर देखें, आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। शाम 4 बजे रोज़ाना हमारे फैम में कुरान क्लास होती है, उसको भी देखना मत भूलें। तब तक के लिए इजाज़त। किसी किस्म की परेशानी या सवाल की सूरत में ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर लें। आइए दुआ पढ़ते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।